शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले इसके लिए एक बार फिर सदर बाजार में दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वह अपना सामान दुकानों के बाहर न रखें। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इन दुकानदारों को हिदायत दी गई हो। कई बार दुकानों पर से सामान उठाने के बाद भी ये लोग अतिक्रमण कर लेते हैं। इसे महज खाना पूर्ति कहा जाए कि यातायात पुलिस ने आज फिर सदर बाजार के दुकानदार को हिदायत दी कि वह अतिक्रमण न करें। अब देखने लायक होगा कि क्या इस हिदायत देने के बाद भी अतिक्रमण रुक पाएगा या हमेशा की तरह बात केवल आई गई कर दी जाएगी। सामान हटाने की क्या है, सामान क्यों उठा रहे हो? क्यों तू तो ये बता रहा था भास्कर में, नहीं भास्कर में वो काला मेरा फोटोग्राफर पीछे क्यों भैया दिमाग खराब है भास्कर, नौकरी खा जाएगा किसका? कौन है आपका भास्कर का नाम बताना जरा। इकबाल भाई। इकबाल भाई तो आप शिकायत करते हो इकबाल भाई, ठीक है आप ये आप बताइए कौन सा क्या करवा रहे को हटा दो, हटा ले रहे में निकल के। ये सीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में शहर की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए जो मुहिम चलाई गई थी उसके तहत जो दुकान के बाहर जो अपना सामान रखे हुए हैं सदर बाज़ार में, तो उनको हिदायत दी गई थी कि अपना सामान अंदर रखें, क्योंकि जो फुटपाथ वाला एरिया है वहाँ अगर वाहन खड़े हो जाएंगे तो रोड पर अगर वाहन खाली रहेंगे तो जाम की स्थिति नहीं बनेगी। तो इसी को लेकर सभी दुकानदारों को हिदायत दी है। तो ये कार्रवाई सर कंटिन्यू रहेगी? ये कार्रवाई कंटिन्यू जारी रहेगी। तो सर जैसे आपने बताया कि नगर पालिका को भी मैंने, हाँ इस संबंध में हम नगर पालिका को भी पत्राचार करेंगे, तो नगर पालिका के साथ मिलकर हम ये कार्रवाई 7 दिन में या सप्ताह में 2 बार ये हम जारी रखेंगे, और नगर पालिका के माध्यम से हम जो शहर का व्यस्तम चौराहा, जयस्तम चौराहा, तेलगानी चौराहा और एक दो चौराहे और हैं, तो उन पर भी सिग्नल लगाने के लिए पत्राचार किया जाएगा।